करोड़ों कमाएंगे, खाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, फिर भी राजा हरिश्चंद्र के 11वें अवतार कहलाएंगे। यही है आज भारतीय राजनीति की सच्चाई। क्यों? क्योंकि अभी केंद्रीय सूचना आयोग के एक सूचना आयुक्त महोदय ने फैसला दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर चंदा देते हैं राजनीतिक दलों को, उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा है। और ये जानकारी, माफ़ कीजिए, जानकारी तो नहीं है, फैसला है। ये आरटीआई पुणे के एक आरटीआई कार्यकर्ता, बहुत ही वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता है बिहार दुर्वे, उन्होंने डाली थी। उन्होंने पहले एसबीआई में डाला, ये आरटीआई डाला था, चूँकि एसबीआई ही अभी इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में जो लागू हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड उसको बेचती है। मतलब आप इलेक्टोरल बॉन्ड असल में है ये कि एक आम आदमी, एक कोई भी आदमी, वो एक मेरे जैसा आम आदमी हो सकता है या एक कोई कॉरपोरेट हाउस का आदमी हो सकता है, मालिक हो सकता है, वो जाएगा वहाँ से एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा, 1 लाख का, 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, जितना का खरीदना है, और वो जाकर किसी राजनीतिक दल को दे आएगा। राजनीतिक दल फिर वही बॉन्ड लेकर बैंक में जाएगी और उतना पैसा लेकर अपने अकाउंट में आ जाएगी। इस पूरे प्रक्रिया के बीच में यह किसी को पता नहीं चलेगा कि पैसा किसने दिया, कितना दिया। यही है पारदर्शिता, यही है ट्रांसपेरेंसी, यही है ईमानदार सरकार, यही है मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम, माफ कीजिए, क्या था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाली सरकार, यही है राजा हरिश्चंद्र के 11वें अवतार। और इसमें कोई एक दल नहीं है, इसमें सब दल है। जहां कॉमन इंटरेस्ट पर सवाल आता है वहां कांग्रेस भाजपा बन जाती है, भाजपा भी कांग्रेस बन जाती है, और तो और कम्युनिस्ट भी कांग्रेस और भाजपा ही बन जाते हैं। सवाल है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें किसको, किसने पैसा कितना दिया, यह आम आदमी को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि हमारे राजनीतिक दल कितना पैसा किससे ले रहे हैं। ये पहले होता था, आरटीआई में जानकारी पहले आती थी, और ऐसी जानकारियां आती थी कि डाउ केमिकल्स ने भाजपा को पैसा दिया, नवीन जिंदल कांग्रेस के नेता हैं लेकिन उन्होंने भी भाजपा को पैसा दिया, इस तरह से चलता था। तो एक ठीक ठाक अपना चल रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पैसा मिल जाता था, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन कौन सा कौन, ठीक है, जो सत्ता में होता था उसको थोड़ा ज़्यादा, जो विपक्ष में उसको थोड़ा कम। लेकिन 2018 में इन राजनीतिक दलों ने मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नया बखेरा शुरू किया, उसमें ये सारी ट्रांसपेरेंसी, सारी पारदर्शिता, सारी ईमानदारी बंगाल की खाड़ी में घुस गई। लेकिन सवाल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर भी है, और उन सूचना आयुक्त तो महोदय को भी लेकर, जिन्होंने भगवान जाने कैसे ये कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, मतलब वो किसने दिया उसका खुलासा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। कैसे नहीं है भाई, पब्लिक को एक जानने का हक क्यों नहीं है? सेक्शन 8 का हवाला दिया गया है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, लेकिन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज की जा सकती है, मिस्टर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। निश्चित तौर पर आपका आरटीआई कानून से कोई लेना देना नहीं है, तभी आपने ऐसा फैसला दिया है, और आपके इस फैसले से एक बार फिर साबित हुआ है कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की, अर्ध संवैधानिक संस्थाओं की हालत बद से बदतर करने की कोशिश की जा रही है। आपका ये जो हालिया ऑर्डर है इसी का एक उदाहरण है। आइए हम सब मिलकर सोचिए
कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक चंदा, चंदे का जो ये धंधा है, इसका सार्वजनिक होना हमारे आपके लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। नमस्कार।